एक जंगल में बंटी पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, आजी सुनते हो, जंगल में एक महीने से मेला लगा हुआ है, लेकिन तुम एक भी दिन मुझे लेकर मेले में नहीं गए। किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। टुनटुनी, तू तो जानती है मुझे समय नहीं मिलता, तू अकेले ही मेले चली जाना। नहीं जी, जब तक आप मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो आपके साथ ही मेला घूमने जाना है। आपको जब देखो बस पानी पूरी ही बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है बस आपको पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अच्छा भाग्यवान, बस अब गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। बंटी और टुनटुनी मेले में जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकान लगी हुई है। अजी सुनते हो, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है, तुमने क्यों नहीं अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया? टुनटुनी, मैं भी अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है, जिसे दे पाना मेरी बस की बात नहीं। चलो छोड़ो, तुम अपना मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें लेना है ले लो। टुनटुनी मेला घूमने लगती है, तभी बंटी की नज़र एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ती है। अरे, इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और पानी पूरी का रेट भी ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच किए खा रहे हैं। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि इसने अपने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बंटी उस पानी पूरी के ठेले पर जाकर उस पानी पूरी वाले से पूछता है, अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या है तुम्हारी पानी पूरी में? ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, बॉम्बे का मशहूर पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से तैयार किया जाता है और ये देखो, यहाँ बहुत सारे फ्लेवर की पानी पूरी है। जरा मुझे भी देना तो। बंटी 50 रुपए पानी पूरी वाले को देता है। जैसे ही बंटी पानी पूरी खाता है, अरे ये तो बॉम्बे की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है। इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरी पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन बंटी अपनी पानी पूरी का दाम 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले पर एक कौ भी पानी पूरी खाने को आती है। भैया, कल तक तो तुम्हारे पानी पूरी के दाम 10 रुपए था, लेकिन आज तुमने 40 रुपए रेट रखे हैं। ऐसा है बहन जी, कल तक मेरी पानी पूरी का फ्लेवर एक ही होता था, लेकिन आज ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। बताइए आपको कौन सा फ्लेवर दूं? तुम अपना फ्लेवर अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी, तुम बहुत लालची हो गए हो। धीरे धीरे बंटी के पानी पूरी के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, देखा तुमने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षियों ने तुम्हारे ठेले पर आना बंद कर दिया। तुम ऐसा करो, कल से अपने पुराने रेट पर ही तुम पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो टुनटुनी। अगले दिन बंटी कबूतर अपना लालच छोड़कर अपने पुराने रेट पर ही पक्षियों को पानी पूरी बेचने लगता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ये सब देखकर बंटी बहुत खुश होता है और आगे लालच कभी नहीं करता। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। हमें अपनी मेहनत या किस्मत का जितना भी मिल गया उससे अपना काम निकालना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। चंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी बीमार माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। वो टोकरियाँ बनाकर उन्हें जंगल में बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। माँ, मैं टोकरियाँ बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, तुम दवाई खाकर सो जाना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, ध्यान से वापस आना, ज्यादा देर मत लगाना, मैं अकेली बूढ़ी तुझे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। हाँ माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। अब टुनटुनी चिड़िया जंगल में टोकरियाँ बेचने लगती है। टोकरियाँ ले लो, अच्छी अच्छी रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। आओ सुंदरी बहन बबली कबूतरी, ये टोकरियाँ ले लो, अपने घर में सजाना, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, ये टोकरी कितने रुपए की बेच रही हो? बबली बहन, पूरे 100।
रुपए की है। बहुत ही मजबूत टोकरी है ये, ले लो ना बहन। बबली कबूतरी और सुंदरी कौवी उससे टोकरियाँ खरीद कर वहाँ से चली जाती हैं। अभी तो सिर्फ दो टोकरियाँ बिकी हैं, इससे कहाँ गुजारा होगा। माँ की दवाई नहीं आएगी, इस जंगल में तो कोई टोकरियाँ खरीदता ही नहीं है। चलो आज मैं पास वाले दूसरे जंगल में जाती हूँ, कहीं वहाँ कोई पक्षी खरीद ले। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जंगल चली जाती है। टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो, अच्छी मजबूत टोकरियाँ ले लो। तभी वहाँ पर एक जिगरबाज आता है, वो टुनटुनी चिड़िया को तंग करने लगता है। ओए होए, ए चिड़िया कहाँ जा रही है तू, लगता है इस जंगल में तुम नई आई हो। जरा मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियाँ बेच रही हो। जिगरबाज टुनटुनी चिड़िया को तंग करने लगता है। बचा, कोई मुझे बचा, जिगरबाज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने टुनटुनी चिड़िया, आज तू मेरा शिकार बनेगी। तभी कालू कौवा वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और जिगरबाज को मार कर भगा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पर टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरी जान पर बात आ गई थी। अरे चिड़िया तुम घबराओ मत, लाओ ये सारी टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से सारी टोकरियाँ खरीद लेता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा रोजाना टुनटुनी चिड़िया की जंगल जाता था, उसे टुनटुनी से प्यार हो जाता है। एक दिन टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कालू कौवे, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखूँगा, वो शादी के बाद हमारे साथ रहेंगी। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। और कुछ दिनों बाद कालू कौवे सुंदरवन जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टोनी के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ बहुत दयालु थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया को अपने घर लेकर आती है। टुनटुनी, ये बच्ची कौन है, तू किसे घर लेकर आई है। माँ, ये मेरी सहेली रानी चिड़िया है, कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया, इसके तो पापा भी नहीं है, क्या इसे मैं अपने साथ रख लूं, तुम इसे भी प्यार करोगी ना माँ। टुनटुनी, ये भी पूछने वाली बात है, मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी, आ रानी चिड़िया मेरे पास आ, डर मत, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़ के चली गई, मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं रानी चिड़िया, ऐसी बात नहीं करते, चल मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। टुनटुनी तू भी चल बेटा, तू भी रानी के साथ बैठ कर खा ले। हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, मैं भी रानी के साथ खा लेती हूँ। टूनी दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देती है। एक दिन टूनी टुनटुनी और रानी चिड़िया के लिए शूज लेकर आती है। रानी बेटा इधर आ, मैं तेरे लिए शूज लेकर आई हूँ, मैं कई दिनों से तुझे एक ही शूज में देख रही थी, इसलिए मैं तेरे लिए शूज ले आई। टुनटुनी तू भी ले ले शूज, मैं तेरे लिए भी शूज लेकर आई हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टुनटुनी को उल्टियाँ होता देख टूनी डर जाती है। टुनटुनी आज तूने बाजार में कुछ खरीद कर खाया था क्या, इतनी बार तुझे मना किया है, बाजार से कुछ खरीद कर मत खाया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है, देख तेरी तबीयत खराब हो गई है, अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवा दिलवा दो। तो आज मुझसे प्रॉमिस कर, तू बाजार का कुछ भी नहीं खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बाजार का कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल अब तुझको मैं डॉक्टर के लिए चलती हूँ और तुझे दवा दिलाती हूँ। टुनी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टियाँ हो रही है। बहन जी मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर टुनी को बताती है, बहन जी आपकी बेटी की किडनी खराब है, आपको जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराना होगा, तभी आपकी बेटी की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर आप मेरी किडनी ले लीजिए, पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। टुनी जी आप घबराइए मत, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे आपकी बेटी को कुछ दिनों तक इससे आराम मिलेगा, आगे देखेंगे क्या करना है। टुनी दवाई लेकर टुनटुनी को घर लेकर आती है। बेटा तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए, फिर तुझे दवाइयाँ दूंगी। माँ मुझे क्या हुआ है, मैं मर जाऊंगी क्या। मरे तेरी दुश्मन, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रानी
तो अपनी सहेली के पास बैठ, तू साथ रहेगी तो तेरी सहेली का मन बहला रहेगा। इतना कहने के बाद टूनी खाना बनाने चली जाती है। फिर टुनटुनी और रानी आपस में बातें कर रही थी, तभी अचानक टुनटुनी को उल्टियां होने लगती हैं। टूनी दौड़ी दौड़ी टुनटुनी के पास आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तुझे आंखें खोल अपनी बेटा, तो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी टुनटुनी की डेड बॉडी से लिपट कर रोने लगती है।